हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो यार अभी मैं सो के उठ चुका हूँ और यार अभी ये सुपर हीरो टिप्सन और मटेंट लगता है मुझसे पहले उठ गया। और आज ना यार मैं उठने में लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं रात को काफी लेट सोया था। तो चलो यार अभी चलकर देखते हैं बाहर क्या हाल चाल है। अरे अरे ये क्या हो रहा है भाई। अरे देखो गाइस यहाँ पे इतने सारे डेंजरस विलन आ चुके हैं और इन लोगों ने तो मुझे घेर लिया है। अरे हटो भाई। अरे यार ये लोग कर क्या रहे मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। और इनमें से असली वाला डेंजरस विलन कहाँ पर है? हम सभी असली है और आज तुझे मारने के लिए यहाँ पर आए हैं। रुक जा रो फिर तू बचेगा नहीं। अरे यार पता नहीं कहाँ से आ गई है इतने सारे डेंजरस विलन। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी भागो यार वरना ये मुझे मार डालेंगे। अरे देखो ये सारे डेंजरस विलन अब तो रॉपिडो के पीछे भाग रहे हैं। भाई ये क्या सुपर हीरो मटेंट टिप्सन तुम तीनों ऊपर क्या कर रहे हो? और भाई ये इतने सारे डेंजरस विलन अपने घर पे क्या कर रहे हैं? अरे रॉपिडो पता नहीं ये लोग कहाँ से आए हैं। हमारे भी पीछे पड़ गए थे इसलिए हम छत पे चढ़ गए। अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो भाई मेरी गाड़ी को धक्का मत मारो। यार लगता है ये लोग मेरी गाड़ी को तोड़ देंगे। अभी इनको थोड़ा साइड में ले जाना होगा मुझे। अरे मेरे रास्ते से हट जाओ भाई मुझे आगे तो जाने दो। अबे नहीं यार ये लोग तो मुझे घेर रहे यार भागो यहाँ से। समझ नहीं आ रहा आखिर इतने सारे डेंजरस विलन आए तो आए कहाँ से। और देखो ये सभी तो मेरे पीछे भाग रहे हैं भाई मुझे कहीं नहीं जाने दे रहे। अभी इनसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा? अबे एक काम करता हूँ यार इधर पड़ोसी की छत के ऊपर चला जाता हूँ। अरे रो फिर कहाँ पे कूद रहा है तू हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे। तो अभी मैं पड़ोसी के घर में तो आ गया। चलो अभी इसकी छत के ऊपर चढ़ते। अरे लेकिन ये क्या यार ये डेंजरस विलन लोग इधर से भी आ गए। अरे ये लोग तो मेरा किधर भी पीछा नहीं छोड़ रहे। अरे क्या कर रहे हो भाई मेरे ऊपर ही चढ़ गए ये लोग तो। नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे रो फिर को कहीं नहीं जाने देंगे। अरे गाइस इन सभी लोगों ने तो भाई मुझे दवाई डाला यार मुझे कैसे जैसे करके यहाँ से उठना पड़ेगा। देखो ये तो मुझे निकलने नहीं देंगे आज। फाइनली यार अभी मैं यहाँ से खड़ा तो हो चुका हूँ लेकिन अभी इन लोगों से बाहर कैसे निकलूं? लगता है एक दो घूंसे लात मारने पड़ेंगे तभी मैं आगे जा पाऊंगा। जाओ डेंजरस विलन्स मेरे आगे से वरना एक एक को मार डालूंगा तेरी तो ये ले चल साइड हो। देखो यार बस मेरा रास्ता इधर से तो साफ होने वाला है तो अभी हटो भाई मुझे निकलने दो यहाँ से। यार ये लोग तो हटने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी मैं इनके बीच से निकल चुका हूँ तो चलो अभी जल्दी से डंडा कूद के यहाँ से बाहर चलते हैं। और फाइनली अभी मैं बाहर निकल चुका हूँ चलो भागो यार जिससे पहले कि ये लोग बाहर आए। और जरा इन तीनों को देखो कितने आराम से छत के ऊपर खड़े होके तमाशा देख रहे हैं। भाई नीचे आ जाओ यार बचा लो मुझे भी। अरे यार रॉपिडो हम लोग क्या करें हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। अगर हम तीनों नीचे आए तो हम तीनों भी मारे जाएंगे। हाँ यार गाइस हथियार तो मेरे पास भी नहीं है। अभी तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है जल्दी से मुझे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना होगा। तो अभी मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई लेकिन यार ये लोग क्या कर रहे हैं इन्होंने मुझे गाड़ी से बाहर निकाल दिया। अरे रॉपिडो इन सभी को गाड़ी से कुचल दो तभी कुछ हो सकता है। यार सुपर हीरो ने आइडिया तो अच्छा दिया है लेकिन मेरी गाड़ी तो यहाँ से हिले जब ना तो यार अभी थोड़ी थोड़ी गाड़ी चलने लगी है। इस रॉपिडो ने तो हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी अब पकड़ो इसे ऐसे मारो। अबे यार ये एक डेंजरस विलन तो मेरी गाड़ी में बैठा है इसको जल्दी से बाहर फेंकना पड़ेगा। तो ये देखो अभी तो इसको मैंने यहाँ पर लटका दिया। अरे लेकिन ये वापस से सारे डेंजरस विलन मेरी गाड़ी के आगे आ गए। अभी एक काम करता हूँ एक बार मैं इन सभी का काम तमाम कर देता हूँ सबके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता हूँ। अरे साथियों घेर लो इस रॉपिडो को इसकी गाड़ी को आगे मत निकलने देना यहाँ से। अबे तुम लोगों की तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला एक एक के ऊपर गाड़ी चढ़ा दूंगा। तो ये देखो यार अभी मैंने कितने सारे डेंजरस विलन मार दिए अपनी इस गाड़ी से। इन अभी भी यहाँ पर ये चार पांच डेंजरस विलन बचे हैं जो कि मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। अभी इनको भी नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ बच्चों तुम भी गए काम से अभी तो। आने दो ये लोग मेरी गाड़ी का पीछा करेंगे। अभी गाड़ी घुमा के इनके ऊपर भी चढ़ा दूंगा। तो ये देखो भाई मैंने इनको भी टक्कर मार दी। अबे रुक जा तू कहाँ भाग रहा है? मर गए लगता है सभी डेंजरस विलन। अबे ये क्या एक डेंजरस विलन कहाँ से बच गया? रुक जा भाई तुझे अभी बताता हूँ मैं तेरी तो अभी तो काम तमाम हो गया होगा। अरे लेकिन ये क्या यार ये डेंजरस विलन आखिर क्या खा गया है इसकी? तो अभी इसको दोबारा से टक्कर मारता हूँ तो अब की बार तो नहीं बचेगा भाई। एक काम करता हूँ एक बार और गाड़ी चढ़ा देता हूँ। तो ये देखो भाई अभी सभी का काम तमाम हो चुका है और मेरे घर के बाहर भाई कितनी सारी डेंजरस विलन की लाशें बिछ चुकी है। बस तुम तीनों इतनी देर से तो ऊपर खड़े होके तमाशा देख रहे थे और जैसे ही सभी डेंजरस विलन मर गए तो फटाफट से नीचे आ गए। ये रॉपिडो भाई हम लोग कर भी क्या सकते थे हमारे पास हथियार भी नहीं थे और ऊपर से ये लोग कितने सारे थे देखो ना। हाँ भाई थे तो ये लोग बहुत सारे लेकिन मरने के बाद देखो धीरे धीरे ये लोग गायब हो रहे हैं। लेकिन यार ऐसा कैसे हो सकता है कोई आदमी मरने के बाद गायब कैसे हो सकता है? अरे रॉपिडो मुझे तो ये डेंजरस विलन के क्लोन लग रहे हैं जो कि किसी ने बनाए हैं। हाँ टिप्सन तो बिल्कुल सही बोल रहा है तभी तो ये लोग मरने के बाद गायब हो रहे हैं। लेकिन यार ये ऐसा काम कर कौन सकता है? अरे और कौन करेगा रॉपिडो वो डेंजरस विलन नहीं किया होगा उसने इतने सारे अपने क्लोन बना लिए होंगे और हमारे ऊपर हमला करने के लिए भेज दिया इनको। हाँ सुपर हीरो मुझे भी उस डेंजरस विलन के बच्चे के ऊपर ही शक हो रहा है। तो चलो अभी एक काम करो सभी लोग फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठो अभी हम लोग उसके घर पे चल रहे हैं। और आज तो उसे पकड़ के उसकी ऐसी धुलाई करेंगे कि वो भी याद रखेगा यार मैं सुबह पहले सो के उठा था और बाहर इतने सारे डेंजरस विलन आ गए मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया। तो गाइस अभी ना हम लोग जा रहे हैं भाई डेंजरस विलन के घर पे उससे अपना बदला लेने के लिए। उसने सुबह पहले इतना जो परेशान किया हमें और ये कम से कम 100 से 150 विलन थे भाई वो तो हमारे पास गाड़ी थी इसलिए हम लोग बच गए वरना आज तो हमारा काम तमाम था। तो अभी फाइनल यार उस एरिया में आ चुके जहाँ डेंजरस विलन का घर है और ये देखो भाई यही है डेंजरस विलन का घर। तो अभी फटाफट से गाड़ी को रोकते हैं। चलो भाई सुपर हीरो टिप्सन मटेंट सभी लोग उतर जाओ और अभी आ जाओ यार फटाफट से उसको बाहर निकाल के लाते हैं आज तो वो नहीं बचेगा हमारे हाथों से। डेंजरस विलन के बनाए हुए क्लोनों ने मुझे कुचल डाला भाई मेरी
तो पूरे कमर हाथ पैर सब कुछ तोड़ दिए, अभी मेरे काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा है, इसका सारा बदला लूंगा आज तो मैं इससे। डेंजरस विलन के बच्चे कहाँ छुप कर बैठा है, चल अभी बाहर निकल। अबे डेंजरस विलन सुनाई नहीं देता क्या? ये क्या यार, यहाँ पर तो ताला लगा पड़ा है। अबे यार टिप्सन, इसने तो घर पे ताला लगा दिया, कहाँ चला गया होगा ये आखिर? अरे फिरो पुराना घर है, दरवाजा जाम हो गया होगा, एक दो लात घुसे और मार, क्या पता खुल जाए। नहीं यार टिप्सन, दरवाजा जाम नहीं है भाई, मैंने खोलने की पूरी कोशिश कर ली लेकिन फिर भी तू बोलता है, तो इसको एक दो लाते और मार लेता हूँ। तो यार एक लात मारी, अभी एक घूसा मार के देखू क्या यार। ये रो फिरो भाई, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, वहाँ पर सही में ताला ही लगा है। यार डेंजरस विलन को ना पता लग गया था कि हम लोग उसे पकड़ने यहाँ पर आ रहे हैं, तभी वो यहाँ से ताला लगा के कहीं पर भाग गया है। और यार यहाँ तो आसपास में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, जिससे कि हम लोग पूछ पाए कि वो डेंजरस विलन कहाँ गया है। अरे रो फिरो, वो ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर पे गया होगा, वो लोग उसके साथ ही काम करते हैं। लेकिन सुपर हीरो ग्रैनी ग्रैंडपा की तो उससे लड़ाई हो गई थी, फिर वो वहाँ क्यों जाएगा? टिप्सन तेरी बात भी सही है, सुपर हीरो की बात भी सही है, लेकिन एक बार हमको ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर पे तो चलना चाहिए यार, उनके घर पे जाके कुछ तो पता लगेगा। ग्रैनी और ग्रैंडपा पूरे शहर की खबर रखते हैं, तो उन्हें इसकी भी खबर जरूर होगी, और ये तो उनका दुश्मन भी है, पक्का वहाँ से हमें कुछ तो पता लग जाएगा। चलो अभी फटाफट से ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर पे चलते हैं। तो गाइस अभी सभी लोग बैठ चुके हैं, तो अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ से घुमा लेते हैं, और अभी डायरेक्टली हम लोग जाने वाले हैं बूढ़े ग्रैंडपा और बूढ़ी ग्रैनी के घर पे, जो कि काफी खतरनाक भी है। गाइस मुझे पता है उन दोनों को पक्का पता होगा भाई डेंजरस विलन हमको कहाँ मिल सकता है, तो चलो अभी फटाफट से चलते हैं। और अभी काफी लंबा सफर तय करने के बाद गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं ग्रैनी और ग्रैंडपा के गाँव में, तो अभी चलकर आपको दिखाते हैं भाई कहाँ पर है ग्रैनी और ग्रैंडपा का हाउस। और ये देखो यार, ये रहा ग्रैनी और ग्रैंडपा का हाउस, जो कि काफी ज्यादा डरावना लगता है गाइस, लेकिन अभी दिन है इस वजह से काफी कम डरावना लग रहा है, लेकिन रात में भाई इसे देख के ना बहुत गंदी फटती है। हम लोग इस ग्रैनी और ग्रैंडपा से नहीं डरते हैं, तो चलो अभी फटाफट से इनके घर के अंदर चलते हैं। ग्रैनी ग्रैंडपा कहाँ पर हो भाई, कहाँ मर गए ये बुढ़े और बुढ़िया? जरूर इधर होंगे, भुक्कड़ कहीं के एक नंबर के खाना ठूस रहे होंगे। अबे इधर भी नहीं है यार, ये क्या यार, इधर तो ऑमलेट बनी पड़ी है, इधर दाल पड़ी है, और ये क्या भाई, इधर तो खाना वाना तैयार है, लेकिन ये ग्रैनी और ग्रैंडपा आके रहे कहाँ पर? मुझे लगता है ऊपर की तरफ होंगे, चलो वहाँ चलकर देखेगा एक बार। फिर भाई मैं ऊपर देख के आ चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं है, ना ग्रैनी है ना ग्रैंडपा। यार ये ग्रैनी और ग्रैंडपा ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, तो फिर ये गए कहाँ पर? मुझे लगता है ये लोग अपने गोदाम पे होंगे, तो चलो आ जाओ भाई अभी हम लोग इनके गोदाम की तरफ चलते हैं। और वो जो सामने जो जगह दिख रही है ना भाई, उसके पीछे की तरफ में इन लोगों ने अपना गोदाम बना रखा है, जहाँ पर कि अपना छोटा मोटा काम निपटाते हैं। तो चलो अभी चलकर देखते हैं, ग्रैनी और ग्रैंडपा हमें वहीं पर मिलेंगे। और जरा इन तीनों को देखो यार, ये ना एक नंबर के आलसी हैं, देखो कितने धीरे धीरे चलते हैं। और मैं अभी यहाँ पर आ चुका हूँ, बट यार गाइस ये क्या यार, इधर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वेट गाइस, जरा वहाँ पर देखो यार, वहाँ से थोड़ी थोड़ी धुआं उठ रही है, लगता है कहीं पर आग वाग तो नहीं लग गई ना? तुम तीनों मेरे पीछे पीछे आना, आगे निकलने की कोशिश मत करना, मुझे लगता है वहाँ पर आग लग चुकी है। अभी मुझे थोड़ा आराम से दिखना होगा यार, आग कैसे लग सकती है वहाँ पर? कहीं ग्रैनी और ग्रैंडपा जल तो नहीं गए होंगे? यार क्या हो रहा है यहाँ पर, जरा देखो तो। अरे लेकिन एक मिनट यार, ये क्या गड़बड़ है भाई, ये क्या चल रहा है? यहाँ पर चारों तरफ आग लगी हुई है, बीच में विलन बैठा है, और विलन को किसी ने रस्सी से भी बांध रखा है, लेकिन ये ग्रैनी यहाँ पर क्या कर रही है? आज तो अपनी काली शक्तियों की मदद से इतने सारे विलन बनाऊंगी, इतने सारे विलन बनाऊंगी किसी ने सोची ना होगी। अरे ग्रैनी तो अपनी काली शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, मुझे छोड़ दे, मैं कहता हूँ तुझे, मैं बहुत कमजोर होता जा रहा हूँ, तूने मुझ में से पहले ही 100 डेंजरस विलन बना लिए, अभी 100 और बनाए तो मैं मर जाऊंगा। चिंता रह के भी क्या करेगा तू? अरे ग्रैनी बातें क्या कर रही है, जल्दी से 50 विलन और तैयार कर दे, 50 तो तैयार हो चुके हैं, वैसे भी हमने रॉफिनो के घर पे 100 विलन तो भेज दिए, 100 और भेज देंगे तो उसका घर तो पूरा तबाह समझ। अरे यार हमारा शक तो बिल्कुल गलत निकला, हमें तो लगा था ये सब डेंजरस विलन का किया धरा है, लेकिन ये तो ग्रैनी और ग्रैंडपा का किया धरा है। अरे फिर अभी क्या करना है यार, ये दोनों तो अभी और खतरनाक हो जाएंगे। टिप्सन तू टेंशन मत ले, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तुम लोग फटाफट से मेरे साथ आओ, हम लोग को अपनी गाड़ी उठा के लानी होगी वहाँ से। गाइस अभी हम लोग अपनी गाड़ी के पास आ चुके हैं, और अभी मैं फटाफट से अपनी गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और इसे स्टार्ट करता हूँ। यार जल्दी से आ जाओ, तुम तीनों फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। और अभी ना यार मैं अपनी गाड़ी को वहाँ पे इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी 50 विलन खड़े हैं, जो कि काफी खतरनाक हो सकते हैं, और अगर हम लोग से खाली हाथ जाते तो अब तक तो वो लोग हमें मार भी देते। तो चलो यार अभी फटाफट से बैठ जा भाई टिप्सन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी लेके, और वो भी हम लोग जाएंगे पीछे की तरफ से जहाँ की वो लोग खड़े हैं, और अभी उनके खाली 50 डेंजरस विलन ही बने, और अगर 50 और बन गए तो हमारे ऊपर ज्यादा खतरा आ सकता है। तो यार अभी ये क्या यार, मैंने गाड़ी ठोक दी, बट मुझे यहाँ से थोड़ा संभल के चलाना होगा। अबा रुक जाओ, गाड़ी कहाँ ला रहे हो? अबा रो फिर, अबा वो मेरा डेंजरस विलन को क्यों मार रहा है? अबा क्या कर रहा है तू? तो भाई अभी तो ग्रैंडपा को भी घसीट दिया है, बट यार ये 50 डेंजरस विलन को इनकी जगह से हिलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ये
ठीक है यार, गाड़ी फंस रही है यहाँ पर, तो आज मैं इनको नहीं छोड़ने वाला हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। लेकिन गाइस ये लोग हमारे ऊपर हमला इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी खाली ये 50 है। इससे पहले ये 100 हो जाए उससे पहले मुझे इन सभी को मारना होगा। अगर ये 100 हो गए तो ये सभी एक्टिवेट हो जाएंगे और मुझे भी मार डालेंगे। जितनी जल्दी हो सके 50 विलन और बना। अब ये क्या कर दिया, अभी मैंने यहाँ पर ग्रैंडपा का तो काम तमाम कर दिया है लेकिन इस ग्रैनी को भी अभी मुझे मारना होगा। अगर ये नहीं मरी तो भाई मेरे ऊपर खतरा आ सकता है। तो गाइस अभी मैंने अपनी यहाँ पर एक मशीन गन उठा ली और इसको मैंने गोलियों से भून डाला है। अभी हम लोग खतरे से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं क्योंकि ग्रैनी और ग्रैंडपा मर चुके हैं। लेकिन अभी बचे हुए इन क्लोन्स को भी मुझे मारना होगा जिससे कि हमारा डेंजरस विलन वापस से रिकवर हो सके। जल्दी जल्दी भाई सभी को निपटा देता हूँ यहाँ से। वैसे यार विलन की मशीन गन काफी पावरफुल है, इसकी मदद से मैंने इतनी सी देर में सभी को मार डाला। और गाइस हम लोग ने यार बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच गए ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर पे, वरना वो लोग विलन को भी मार देते। तो भाई विलन अभी तो ठीक है ना यार। अरे हाँ भाई रोपी रो यार, तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच गई, वरना ये ग्रैनी और ग्रैंडपा तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। तो यार अभी ग्रैनी और ग्रैंडपा भी मर चुके हैं और विलन भी बिल्कुल सेफ हो चुका है। तो गाइस मुझे पता है आपको वीडियो में काफी मजा आया होगा, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से रेड वाले बटन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ यार बेल आइकन पे क्लिक करके उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि ऐसी वीडियोस आपको रोजाना देखने को मिले। तो अभी हम लोग भाई अपने घर पे जा रहे हैं और हम लोग विलन को भी उसके घर छोड़ देंगे। तो गाइस हम लोग मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।